आपको मैं बताया कि 15 लाख करोड़ चिपटी बालू की जरूरत होती है, उसकी भाप में 65 लाख करोड़ और अधिक स्टोर करके रखा गया जो केसीसी लाइसेंस के माध्यम से आम लोगों को मुहैया कराया जाता है। रही बात आपके महंगे दर पर कोई बेच रहा है, बिचौलिया अगर गलत धंधे में संलिप्त है तो उसके ऊपर भी स्थानीय पुलिस, वहाँ के माइनिंग इंस्पेक्टर, खनिज विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और वहाँ के समस्त जो जिला के अधिकारी होते हैं, कप्तान होते हैं, उनको निर्देशित कर रखा गया है कि अगर बालू मंडी में अगर रेट फिक्स किया हो, उससे महंगे दर पर कोई बेचता है तो औचक निरीक्षण करे, जांच करे, उस बालू को भी जब्त करे और जिस गाड़ी पर है वो ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, उसको भी जब्त करना और नीलाम करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, मैं हूं पिता से। बालू माफियाओं पर लगातार सरकार के डंडे चलाए जा रहे हैं। बालू माफियाओं से साठगांठ रखने वाले पुलिस कप्तान तक निलंबित हो गए। डीएसपी पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, बावजूद इसके बालू माफियाओं के मन मिजाज चरम पर है। सरकार के द्वारा बालू के रेट तय कर दिए गए, बावजूद इसके बालू माफिया अपने मन मर्जी के हिसाब से रेट तय करते हैं। ऐसे में आज मंत्री जनक राम ने सख्त लहजे में कह दिया है, जो बालू कारोबारी अगर अपनी मर्जी से रेट तय करते हैं तो उनके बालू के साथ साथ ट्रक भी सीज कर लिए जाएंगे, इसके अलावा और भी कार्रवाई की जाएगी। कड़ी में आर्थिक अपराध के तहत उनकी संपत्ति को भी जांच कराई गई। मुझे लगता है कि जो भी गड़बड़ अधिकारी कर रहे हैं उनके ऊपर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। आज भी पटना में 11 से 12 हजार रुपए टेलर बालू में रहे हैं। पटना की मुझे बताने में खुशी हो रही है, जैसे आपने कहा विभाग में 3500, 3900 मैक्सिमम 4100 बालू को रेट फिक्स कर दिया। ट्रांसपोर्ट खर्च अलग और ये 3 महीना जुलाई अगस्त सितंबर मानसून को ध्यान में रखते हुए एनजीटी रोक लगाई जाती है, बालू खनन नहीं होता। उसमें बिहार को सरकारी और गैर सरकारी काम को करने के लिए 15 लाख करोड़ चिपटी बालू की जरूरत होती है। मुझे बताने में खुशी हो रही है कि विभाग के समस्त अधिकारी और पदाधिकारी ने 3 महीने कोई काम सरकारी या गैर सरकारी रुके नहीं। गरीब गुरबा को देश के सच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चलाए हुए योजना प्रधानमंत्री आवास, ये किसी को बाधित और सबको मुहैया बालू कराया जा सके, सस्ते दर पर किया जा सके, उसके लिए सरकार कटिबद्ध है। आपको मैं बताया कि 15 लाख करोड़ चिपटी बालू की जरूरत होती है, उसकी भाप में 65 लाख करोड़ और अधिक स्टोर करके रखा गया जो केसीसी लाइसेंस के माध्यम से आम लोगों को मुहैया कराया जाता है। रही बात आपके महंगे दर पर कोई बेच रहा है, बिचौलिया अगर गलत धंधे में संलिप्त है तो उसके ऊपर भी स्थानीय पुलिस, वहाँ के माइनिंग इंस्पेक्टर, खनिज विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और वहाँ के समस्त जो जिला के अधिकारी होते हैं, कप्तान होते हैं, उनको निर्देशित कर रखा गया है कि अगर बालू मंडी में अगर रेट फिक्स किया हो, उससे महंगे दर पर कोई बेचता है तो औचक निरीक्षण करे, जांच करे, उस बालू को भी जब्त करे और जिस गाड़ी पर है वो ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, उसको भी जब्त करना और नीलाम करना। एक मंत्री जी, केंद्र की बात की जाए, केंद्र का ड्रीम प्रोजेक्ट था आपको तेजस, अब तो पटना से भी खुलने लगा, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि को अदनंगे होकर ट्रेन में घूमना, सबकी माँ बेटी बहुत रहती है, कितना मैंने बात है। मुझे लगता है कि आपने तेजस ट्रेन का नाम लिया, ये पूर्ववर्ती सरकार ने जो स्पेशल ट्रेन के नाम पर गरीब आम लोगों को पैसा पॉकेट से लोग निकाल लेते थे, सुपर फास्ट की ट्रेन को लोगों ने जनरल बोगी बना करके चलाते थे, बहुत तरह की पूर्ववर्ती सरकार ने किया है। ये तो खुशी की बात है कि देश में और प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अच्छी अच्छी ट्रेन चल रही है, तो सौगात है बिहार प्रदेश को। देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि जब तक बिहार में और देश का पूर्वांचल राज्य, उड़ीसा हो, बंगाल हो, बिहार हो, मुख्य धारा में नहीं जुड़ेगा, तब तक भारत माता को परम वैभव पे नहीं पहुंचाया जा सकता है, भारत को विश्व को गुरु नहीं बनाया जा सकता है। तो जो पूर्ववर्ती सरकार में हमारे बिहार पिछड़ा हुआ था, आज तो ये 15 साल देश के प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चहुंमुखी विकास कर गोपाल मंडल के ये तो आप लोग बोले कि ट्रेन अच्छी है, सारी चीज अच्छी है, तो गोपाल मंडल जी जनप्रतिनिधि आपके साथ विधानसभा में बैठते हैं और उन्होंने जो किया उसके बारे में आप क्या कहें। मुझे लगता है कि हम सबके सीनियर और मार्गदर्शक उस सदन से लेकर के इस सदन के और मंत्री आदरणीय शहनवाज साहब ने बखूबी जो राजनीति में चरित्र कैसे होना चाहिए
आपने यह बताया उच्च मर्यादा का आपने नाम लिया है, मुझे लगता है कि उसे सबक लेना चाहिए ऐसे। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।